खबर विदिशा से आ रही है, जहां विदिशा निवासी सचिन भार्गव ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं सचिन भार्गव का यह कहना है कि जब तक पॉलिथीन पर सरकार द्वारा पूर्णतः रोक नहीं लगाई जाएगी, तब तक वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, क्योंकि पॉलिथीन में लोग खाना भर कर फेंक देते हैं और गाय उसे खा लेती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। मैं लगभग 4-5 साल से विदिशा में गौ सेवा का काम कर रहा हूँ, और मैंने इस बीच में देखा है कि जितनी गाय की मौत सड़कों पे नहीं हो रही, जितनी गाय की मौत कत्ल खानों में नहीं हो रही, इतनी गाय की मौत जो आम इंसान है वो खाने पीने का सामान पॉलीथिन में भरकर फेंक देता है, जिससे गाय खा लेती है और उसकी इतनी तड़प तड़प कर मौत होती है कि जब जो इंसान उसे देखेगा वो ही समझ सकता है। इसके अलावा घर में बैठे हुए लोग इस चीज़ को नहीं समझता है, समझ सकते। आप यदि इस दर्द को फील कर सकते हो तो आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूँ विदिशा नीमताल गांधी जी की मूर्ति के समीप, और मेरी ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार पॉलीथिन बैन नहीं कर देती, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे सरकार, हमारी मांग है। और जो गौ हत्या करते हैं उनको मृत्यु दंड दे सरकार, हमारी सरकार से ये मांगे हैं, और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती ये हमारी भूख हड़ताल चलती रहेगी।